गैज, अगर आपका भी फेसबुक का अकाउंट डिजेबल हो गया है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं दो तरीके दिखाऊंगा। अगर आप सही तरीके से ये दो तरीके आजमाएंगे तो आपका जो डिजेबल हो गया फेसबुक अकाउंट वो आप फिर से री लॉगिन यानी कि आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं कोई मेल से द्वारा ये नहीं दिखाएंगे, आज मैं क्रोम ब्राउज़र से दिखाऊँगा। तो आपको ये क्रोम ब्राउज़र से करना है। ये करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है ना, यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र मेरा दिख रहा है आपको भी ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है रिपोर्ट है लॉगिन इशू, ठीक है, रिपोर्ट है लॉगिन इशू। तो ये आपको सर्च कर लेने के बाद सबसे ऊपर जो है एक वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आपके सामने एक पे फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो ये फॉर्म आपको सही तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वो ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपके फेसबुक अकाउंट पे लिंक था, ठीक है। तो वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देने के बाद गाइस यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन पे लिखना पड़ेगा कि आपका फेसबुक अकाउंट किस रीज़न के लिए बंद हो गया, और आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा कि आपका फेसबुक अकाउंट है बाय मिस्टेक फेसबुक आपका ये अकाउंट डिजेबल कर दिया गया, ठीक है, मतलब डिजेबल कर दिया। तो ये आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, आपको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पर यह लिख दूँगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन फॉलो कर लेनी है। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है ना, यहाँ पे जो एक स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देना है। आपको कौन सा वाला स्क्रीनशॉट देना है ना, कि आपको मतलब अभी फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जो वहाँ पे शो हो रहा है ना, योर अकाउंट वाज हैज़ बीन डिजेबल ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट डाल देने के बाद गाइस यहाँ पे जो एक सेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। तो ये सेंड कर देने के बाद गाइस आपको और एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको और एक वेबसाइट ओपन करना है। तो उस वेबसाइट का नाम है प्रिवेंटिंग लॉगिन इशू, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिंग लॉगिन इशू लिखने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर और एक वेबसाइट मिल जाएगा, सिक्योरिटी चेक्स प्रिवेंटिंग लॉगिन। तो यहाँ पर आपको जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर जाने के बाद गाइस फिर से उसी तरीके से और एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी करना क्या है ना, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है। ईमेल एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, और डिस्क्रिप्शन से ही आपको यह लिख लेना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी एक काम करना है, आपको यहाँ पे आपका जो आईडी है ना, आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कोई भी एक प्रूफ जो फेसबुक में जो नाम है उस नाम के साथ बाइंड है, ऐसे कोई प्रूफ आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो वो डाल देने के बाद गाइस यहाँ पे सेंड वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। तो ये दो तरीके करने के बाद गाइस आपको 24 आवर्स वेट करना है। अगर आप ये दो तरीका एकदम सही तरीके से करेंगे ना, तो आपका 24 आवर्स के बाद आपका जो डिजिबल फेसबुक अकाउंट वो फेसबुक आपका ओपन कर देगा, ठीक है। गाइस अगर ये छोटा सा ट्रिक्स आपको पसंद आए तो एक वीडियो पे मतलब इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना है।